अरे गोया जो है फुल मस्ती में एक है डेढ़ भाई। लीटर तुम करियो 500। मम्मी मैं आपको बद्रीनाथ धाम में जो बाजार लगा है ना मंदिर के आसपास, वो बाजार दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से बाजार लगा हुआ है और यहाँ पे किस तरह से सामान मिल रहा है। और हमारे भाई जो हैं, ये प्रसाद की दुकान, इस तरह के प्रसाद की दुकान है। और सामने श्री बद्री विशाल, इनकी भी एक फोटो ले ली जाए थोड़ी दूर से। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये प्रसाद की दुकान है इस तरह से, और यहाँ पे मूर्ति वगैरह हैं, सिंदूर है, और यहाँ पे ना शोर भी बहुत कर रखा हमारे दोस्तों ने तो खैर। और ये भी प्रसाद की दुकान है, और यहाँ पे कुछ खिलौने वगैरह इसकी बच्चों के लिए भी दुकानें हैं। ये देखिए इस तरह का सामान है यहाँ पे। और ये बाजार देखिए ऊपर की साइड जा रहा है, नीचे से ऊपर, क्योंकि पहाड़ों पे मंदिर है तो बाजार भी देखिए सीढ़ियों पे इस तरह से ऊपर ही बना हुआ है। ये देखिए, और एक साइड पे अलकनंदा नदी, और यहाँ किसने आग लगा दी है लाल, और सामने श्री बद्री विशाल। तो फ्रेंड्स यहाँ ना बोलने में, चलते हुए ना बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, बाकी थोड़ा सांस चढ़ रहा है यार। तो आप भी देखते रहें और समझ लें भाई। और यहाँ पे ख़रीदारी भी लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, उत्तराखंड ज़्यादा भी हैं। और इस तरह से ये मार्केट से ऊपर आ गए हम, और एक मार्केट ना इधर जा रही है, और हमें जो है इधर की साइड जाना है। आगे कुछ दुकान यहाँ पे भी लगी है, ठीक है ना। यहाँ पे इधर भी मार्केट है और इधर भी। फिलहाल हम जो है इधर जाएंगे, क्योंकि हमें तो अपनी गाड़ी की तरफ जाना है। तो लोकल दुकान वाले हैं, इन्होंने यहाँ आग जला के बैठ गए, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, और सांस बहुत चढ़ रहा है चढ़ते हुए। और ये प्रसाद की दुकान है, अपने आप को थोड़ा सा प्रसाद लेना है, तो ये थोड़ा बहुत प्रसाद लेने के खड़े हो गए अब। और उधर चाय पकौड़ी, इधर भी बाजार है छोटा सा, ये देखिए। तो ऐसी टोपी लेने के लिए सोचते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है भाई। क्या हो गया फोन का? मुख्यमंत्री सभी हैं। और यहाँ पे ना कुछ गर्म कपड़े, शॉल्स वगैरह ये बिक रही है। मैं हर जगह यही है, गर्म कपड़ों की मार्केट है, और कुछ धर्मशालाएं हैं, ठीक है ना। इसी तरह का मार्केट है वैसे सारे में। यहाँ पे ना मिश्रा रेस्टोरेंट में हम खाना खाने आए हैं, और यहाँ पे जो है गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। तो अंकुर भैया जो है ना गाड़ियों का जाम खुलवा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ये जल्दी जाम खुलवा देंगे। और एक आदमी ने बिल्कुल यहीं पर गाड़ी लगा दी, और उसके पीछे भी गाड़ी है, तो इसलिए। और यहाँ देखिए इससे ढलान है, तो ये गाड़ी इधर भी नहीं जा सकती, लेकिन ये फिर भी निकलवा देंगे अब इसे।